सिनू, मुझे जिसने धोखा दिया था ये तो वही चोर है। लगता है अब ससुर जी के दोस्त को भी धोखा देने वाला है। अच्छा देखो तो, रघु इसी ने मुझे भी धोखा दिया था। तुम्हें भी? लेकिन कैसे? कहा था ना मैंशन ठीक करवाने के लिए सेठ जी से 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था। बैंक से पैसा लेकर आ ही रहा था कि भगवान अब मैं क्या करूं? अरे भैया रो क्यों रहे? क्या हुआ आपको? बेटा अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? ऐसे ही एक दिन मैं अपने रिटायरमेंट के पूरे 5 लाख ऐसे ही एक बैग में भर के यहाँ से निकल रहा था और तभी अचानक एक आदमी आया और वो मेरा बैग खींच कर भाग गया। बेटा एक काम कर, तू पैसे बैग में मत रख बेटा, बैग से निकाल के कमर में बांध ले। अरे मेरी उम्र का कुछ तो लिहाज कर, मेरी बात मान ले बेटा, मैं सच कह रहा हूँ तुझे। अरे मेरी बात सुन ना। अरे वही तो बोल रहा हूँ मैं, जल्दी से अंदर रख ले, देख हमें सब देख रहे हैं, जल्दी रख, जल्दी बैग से निकाल, कमर में बांध। हाँ शाबाश शाबाश। ये खाली बैग लेकर कहाँ भागा? अरे बुड्ढा खाली बैग लेकर वहां से भाग गया होगा ना। हाँ बिल्कुल करेक्ट, पर ये तुम्हें कैसे पता? जब मैं बैंक से बाहर निकला तो मेरा भी बैग खाली करवा कर वो उसे लेकर भाग गया। क्या वो भाग कर किसी पुलिस जीप के पास गया था? हाँ गया था। सर उसने मेरे सारे पैसे चुरा के अपनी कमर में बांध लिए। सर देखिए बैग खाली है और इसमें से पैसों की खुशबू आ रही है। सर ये झूठ बोल रहा है, ये पैसे मेरे हैं, देखने में ये भिखारी लग रहा है, इसके पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? सर काम कर दीजिए ना, आपको आपका कट मिल जाएगा। नेवर! कट शब्द से ही मुझे नफरत है, इसीलिए आज तक मैंने बाल भी नहीं कटाए। इस वर्दी के अंदर एक ईमानदार पुलिस वाला है। बैग इधर ला। लो सर, डालो जल्दी डालो। डालो जल्दी डालो, सब डाल दो। यू गो। सर सर सर, मेरे पैसे। सर जो भी कहना है पुलिस स्टेशन में कहना। दो कटिंग के बाद एक क्वार्टर, उसके बाद तेरा मैटर। चल गाड़ी में बैठ। स्टॉप। उसके बाद क्या हुआ ये बताओ। उसके बाद जीप सीधे एक पेट्रोल पंप पर जाकर रुकी। ऐसे ही हुआ? हाँ भाई वहीं ले गया। अरे मालिक उसने सिर्फ आदमी बदला है, आइडिया बिल्कुल सेम है। और फिर क्या हुआ? सर मीटर पर नजर रखूं क्या? चल चोर पीछे हट, आप देखने में जेंटलमैन लगते हो, जरा मीटर पर नजर रखोगे? सर जरा ध्यान से देखना, ये लोग चोर हैं। पीछे मुड़ने के बाद वहाँ कोई भी नहीं रहा होगा है ना? करेक्ट है सर। सर सर अरे कहाँ चले गए सर? कहाँ चले गए सर? सर अरे तुम्हें कैसे पता? तुम्हें भी धोखा दिया था क्या? छी, कोई दूध पीता बच्चा भी बता देगा कि उसके बाद क्या हुआ होगा। बहुत अच्छी तरह से लूटा तुम लोगों को। है? वैसे तुम लोग असली पुलिस के पास क्यों नहीं गए? जाना ही नहीं पड़ा, पुलिस को ढूंढती हुई आ रही। पुलिस की गाड़ी चुरा रहा था। दोनों के दोनों अंदर। रघु हम बेवकूफ बने उसका दुख नहीं हो रहा, लेकिन ये मेढक मुझ पे हंस रहा है ना, वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। सीनो इसी गुस्से के साथ हम चेन्नई चलते हैं और उस फ्रॉड को सबक सिखाते हैं। वापस आएंगे तो पैसों के साथ आएंगे, वरना इसकी लाश के साथ आएंगे।